यहाँ पर जो वेंटिलेशन बनाया जा रहा है इसका उजाला आप दे सकते हैं यहाँ पर पूजा घर पर और किचन पर आपको देखने को मिलेगा। संजय और आपका स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको 20x50 1000 स्क्वायर फीट पर चल रहे एक निर्माण कार्य के बारे में दिखाऊंगा। साथ साथ यहाँ पर जो हॉल बेडरूम और किचन है उसका साइज भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपका ऐसा कोई मकान या प्लाट है जिसका साइज 20x50 1000 स्क्वायर फीट है तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को आप चयन कर सकते हैं, अपने प्लान पर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने यहाँ पर जो फ्रंट है यहाँ पर 20 और इसकी जो किराया दी गई है यहाँ पर 50, मतलब 1000 स्क्वायर फीट पर इसकी यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। और यहाँ पर जो बनाया जा रहा है इस मकान को, यहाँ पर पूर्व दिशा में इसको बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है सिंगल मंजिल अभियान, पहली मंजिल पर चल रहा है काम। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंट के साथ काम किया गया है एलिवेशन का। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सी प्लानिंग। तो आइए चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है गाड़ी पार्किंग, और गाड़ी पार्किंग आप देखेंगे यहाँ पर जो कालम पर आपको यहाँ पर हॉल पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहीं पर जो कालम जब बनाते हैं तो उसी में यहाँ पर हॉल पास दे दिया जाता है ताकि जो मेन गेट है लोहे का यहाँ पर हॉल पास पर लग सके। बाद में क्या है जो कालम पर तोड़ फोड़ यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। और यहीं पर दिया गया आप देखते हैं गाड़ी पार्किंग। इस गाड़ी पार्किंग का जो साइज है वहाँ 9x16 इस गाड़ी पार्किंग के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको दे सकता हूँ यहाँ पर गाड़ी पार्किंग 9x16 इसके साइज को यहाँ पर बनाया गया है। वो यहीं पर आप देख सकते हैं इस कटिंग यहाँ पर ब्लैक कलर की यहाँ पर लग रही है और इंडोर टाइल्स के साथ यहाँ पर काम यहाँ पर किया गया है। वो यहीं पर आपको एक छोटी सी जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी टाइल्स के साथ काम किया गया है। जगह यहाँ पर स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बढ़िया सी, ताकि आप यहाँ पर पेड़ पौधे नर्सरी वगैरह यहाँ पर आप रख सके और मकान की और भी शोभा आपको यहाँ पर बढ़ जाएगी। और यहीं पर से जीना आपको देखने को मिलेगा, दूसरी मंजिल के लिए जीना यहीं से बाहर के बाहर गाड़ी पार्किंग से दिया गया है आप देख सकते हैं। वो यहीं पर प्लेन से लेकर छत हाइट 10.5 फीट यहाँ पर रखी गई है। नल के पॉइंट आप देख सकते हैं यहीं पर गाड़ी पार्किंग पर दिए गए हैं। आप छोटी सी टू व्हीलर गाड़ी आप यहाँ पर पार्किंग आप आसानी से कर सकते हैं। और यहीं पर आपको एक हॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हॉल का साइज है वहाँ 16x16 इस हॉल के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आप जैसे ही गाड़ी पार्किंग से होते हुए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक हॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर विंडो आपको देखने को मिलेगी 1x3 की, ताकि जो उजाला हवा यहाँ पर भी आ सके। और यहीं पर आपको एक बेडरूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो गेट है आप देख सकते हैं 3.5 फीट का यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ टाइल्स से भी वाइट कलर की और ब्लैक पट्टे के साथ यहाँ पर लगाई जा रही है। जब यहाँ पर पूरा फिनिश काम हो जाएगा तो इसकी वीडियो भी मैं बनाऊँगा पूरी, जब कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक खिड़की यहाँ पर भी 3.5x3 यहाँ पर फ्रंट में दी गई है, ताकि जो बेडरूम पर उजाला हवा यहाँ पर आ सके। वो यहीं पर आपको बेडरूम शॉर्टेज आपको यहाँ पर लेस बार आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हाल के लिए भी आपको लेट बाथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ही वेंटिलेशन दिया गया है आप देख सकते हैं, ताकि इसका जो उजाला है यहाँ पर बेडरूम से अटैच लेट बाथ पर और कॉमन लेट बाथ पर और हॉल पर यहाँ पर देखने को मिले। और जैसे ही हॉल पर से आपको यहाँ पर से आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक बेडरूम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा 10x11 इसके साइज को यहाँ पर भी बनाया गया है। और यहाँ पर भी विंडो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दी गई है, ताकि इसका जो उजाला यहाँ पर भी रह सके। और पास में आपको एक डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 7x9 इस डाइनिंग एरिया साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है जस्ट बेडरूम के पास में। और यहीं पास में आपको एक किचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस किचन का जो साइज है 9x8
बनाया जा रहा है, अभी यहाँ पर चल रहा है काम, आप देख सकते हैं वो यहीं पर पूजा घर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 4x11 इस पूजा घर के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहीं पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन दिया गया है उजाले के लिए, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी उजाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।